हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो रीपर कम बाइंडर होता है, जो मशीन होती है, उसको अगर हम फील्ड पे जब काटते हैं खेत में गेहूं, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या उसके फ़ायदे हैं, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको दिखाने वाले हैं कि इसकी जो कमियाँ होती हैं, कि कब ये काम अच्छे से नहीं करता है, वो भी आपको बताएँगे, और क्या इसकी खासियत है वो भी बताएँगे। तो चलिए आपको पूरा वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है आपको। और इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने जो इससे पहले जो हमने वीडियो दिया था वो नहीं देख पाया है अब तक, तो इस वीडियो के अंत में आपको दाहिने तरफ एक वीडियो मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर पूरी आपको पहले की डिटेल जो हमने दी थी वीडियो में, वो आपको मिल जाएगी कि कितना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं इस मशीन से। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहली जो इसकी कमी है। तो जब हम गेहूँ की कटाई करते हैं खेत में, तो क्या होता है, जब देखिए थोड़ी सी भी मेड़ आ जाती है कहीं पे किनारे पे, तो इसके पहिए जो हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए ये फंस जाते हैं, और इसको फिर धीरे से आगे खींचना पड़ता है तभी ये निकल पाता है। इसके लिए 2 से 3 आदमी की आवश्यकता होती है। ये देखिए इस तरीके से ये मशीन फंस जाती है और फिर आगे या पीछे कहीं भी नहीं बढ़ पाती है। तो ये मशीन सबसे ज़्यादा अच्छा काम तब कर पाती है जब आपके खेत में ज़्यादा ऊँची मेड़ें ना हों। और अगर ऊंची मेड़ आपके खेत के किनारे पर हैं, तो आप कोशिश करें कि 1 से 1.5 फीट जो फील्ड है आपकी, जो फसल है, उसको आप छोड़ कर काटें और उसकी कटाई आप हंसिया से कर लें। ये देखिए इस तरीके से इसकी जो नोक होती है वो फंस जाती है। तो इसको आप यहाँ पर किनारे पर या तो फिर आप थोड़ा सा ऊपर से ऊँचाई से काट सकते हैं, तब 4 से 6 इंच ऊँचाई से अगर फसल को आप काट लेते हैं मेड़ के बराबर से, तब कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आराम से कट जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी समस्या जो है आती है। और दोस्तों दूसरी जो समस्या आती है वो ये है कि जब खेत में फसल कट रही होती है, तो जो इसके बंडल बनते हैं छोटे छोटे, तो आप ये देखिए कहीं कहीं के बीच में जो है सुतली फंस जाती है, और कोई कोई बंडल छूट जाता है, वो एक पास इकट्ठा होकर वहीं पर रह जाता है, तो उसको आपको बाद में बांधना पड़ सकता है। और खेत में घास वास अगर ज़्यादा है, खरपतवार ज़्यादा हैं, तो फिर यह मशीन उतना अच्छे से काम नहीं करती है, धागा ज़रूर फंसता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ लोग कहते थे कि ये जो मशीन है उससे खेत समतल नहीं कटता है या बराबर नहीं कटता है, ज़्यादा ऊंचाई से छोड़कर काटता है मशीन ये काटती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए आपको हम सामने दिखा रहे हैं, अगर आपका खेत समतल है और खेत में ज़्यादा खरपतवार नहीं है, तो देखिए इस तरीके से खेत की कटाई होती है। अगर काटने वाला एक्सपर्ट है तो और भी अच्छे से काट सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से मशीन फसल को काट देती है। और इस मशीन से आप केवल गेहूं की कटाई ही सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि धान जो होता है, धान की अगर आप सोचेंगे कटाई करने के लिए, तो वो पॉसिबल इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें धान की जो बाली होती है उसका वेट ज़्यादा होता है, और दूसरी बात वो फसल हरी काटी जाती है, ज़्यादा उसमें वेट होता है, इसलिए वो संभल नहीं पाता, तो इस मशीन से उसको काटना थोड़ा मुश्किल है। और दोस्तों सबसे बड़ी हम कमी आपको दिखाने जा रहे हैं इस मशीन की, जैसे इसके पहिए जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो जब भी आपको खेत में उतारना होता है अपने, तब ये दिक्कत आती है, वहाँ पर कई जो है लेबर की आवश्यकता होती है, कई आदमी की आवश्यकता होती है। ये देखिए इस तरीके से ये मशीन फंस जाती है, ज़रा सी भी अगर 1 फीट के आसपास ऊंचाई है मेड़ की, तो ये मशीन निकल नहीं पाती है, उसके लिए आपको मेड़ काटनी पड़ेगी। और सेम दिक्कत आती है जब चढ़ाना होता है मशीन खेत से बाहर निकालने के लिए, तब देखिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, आप खुद सामने देख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जहाँ भी आपको खेत में ले जाना है वहाँ के लिए रास्ता अगर अच्छा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रास्ता अच्छा नहीं है तो ये मशीन आपको खेत तक ले जाने में और उसको वापस लाने में बहुत बड़ी समस्या का जो है सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अगली समस्या ये है कि जब ये मशीन काट रही होती है, तो इसमें वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको 2 जो कुशल श्रमिक होते हैं जो चलाने वाले हैं, वो आपको अगर दिन भर कटाई करनी है तो कम से कम 2 लोग हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि 3-4 घंटे के बाद जो आदमी चलाता है उसका पूरा शरीर जो है एकदम हिल जाता है, इतना इसमें वाइब्रेशन होता है, तो इसके लिए 2 आदमी की आवश्यकता होती है, तभी ये अच्छे से आप काम कर सकते हैं। और खेत अगर आपका समतल है, ज़्यादा छोटा खेत नहीं है, जितना बड़ा खेत होगा उतने ही अच्छे से फसल की कटाई होती है। एक समस्या और आती है कि अगर आपका खेत जो फसल है वो आपकी गिरी हुई है या इधर उधर पलट गई है, तो फिर वो काट नहीं पाती है मशीन, तो वहाँ पर एक दिक्कत आती है, उसको आपको हंसिया से ही काटना पड़ेगा। और खेत अगर आपका छोटा है तो आप काट सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बार बार मशीन मोड़नी पड़ती है, इसलिए एक बंदा आपको पीछे मशीन के रखना पड़ेगा, जहाँ पर भी वो मोड़ना होता है वहाँ की जो फसल है वो हटाकर इस तरीके से किनारे करनी पड़ती है, तभी ये मशीन मुड़ पाती है। मोड़ तो सकते हैं आप, लेकिन जो फसल के पीछे की बालियाँ होती हैं वो फिर टूटने लगती हैं, इसलिए जब जहाँ पर ख़त्म होती है फसल, वहाँ पर आपको इसको मोड़ने के लिए वो जो पीछे के बंडल बनते हैं उनको हटा के साइड में करना होता है। ये देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ की जो फसल है वो धीरे से हटाकर इसको
पीछे से इसके बंडल हटा के अलग करने पड़ते हैं। और ख़ास बात ये है इस मशीन की कि अगर आपका एक बंडल पूरा नहीं होता है लास्ट में, तो उस फसल को ये मशीन अपने अंदर दबा के रखती है, और जब बंडल पूरा हो जाता है तभी ये उसका बंडल बना के छोड़ती है। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी हमने आपको दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल घर में बगीचा को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।